Hi, this is Malika. Welcome to my channel. If you haven't subscribed my channel yet, please subscribe it. Hi friends, आज मैं बनाने वाली हूँ दाल तड़का. चलिए देखते हैं इसका रेसिपी. मिक्स्ड दाल को अच्छे से बॉईल कर लें, 10 से 15 सीटी. बॉईल करने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा. कढ़ाई गरम करेंगे. कढ़ाई गरम होते ही उसमें हम तेल डालेंगे. इसमें 3 टेबलस्पून तेल डालें. तेल गरम होते ही उसमें हम छौंका डालेंगे. तेल गरम हो चुका है, इसमें हम तेजपत्ता डालेंगे और सूखा लाल मिर्च. अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच 5 फोड़न. आप अगर चाहें तो जीरा भी डाल सकते हैं. अभी हम कटा हुआ प्याज डालेंगे. प्याज लाइट ब्राउन कलर तक होने तक उसको भूंज ले अच्छे से. प्याज लाइट ब्राउन कलर का हो चुका है, अब हम इसमें अदरक महीन कटा हुआ डालेंगे. अदरक को थोड़ी देर भूंजने के बाद उसमें टमाटर और हरी मिर्च डालें. मैं इधर 1 टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ. अब उसको अच्छे से भूंज लें. अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे. नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर. मसाले को अच्छे से भूंज लें. थोड़ा देर भूनने के बाद इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च और तड़का मसाला ऐड करेंगे. फिर उसको अच्छे से भूंज लें. मसाला जब तेल छोड़ने लगे उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर 2 मिनट तक उसको भूंज लें. भूंजने के बाद आपका मसाला तैयार है. अब जो बॉईल किया हुआ दाल है उसको हम इसमें डालेंगे. मसाले में आप चाहे तो थोड़ा सा चीनी भी ऐड कर सकते हैं. चीनी और निखर के आता है. मैं इधर 1/2 चम्मच चीनी ऐड करूँगी और कसूरी भी थी. इसको मिलाने के बाद जो दाल है उसको हम इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे. दाल को डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करके इसको कवर करके 15 मिनट तक छोड़ दें मीडियम आंच पर. 10-15 मिनट पकाने के बाद उस पर हम तड़का डालेंगे. ऊपर से तड़का पैन को हम गरम कर रहे हैं. तड़का पैन गरम हो चुका है, अब हम इसमें घी डालेंगे 2 चम्मच. अब इसमें सूखा लाल मिर्च डालेंगे और कटी हुई लहसुन. आंच को पहले धीरे कर लें फिर डालें. अब थोड़ा सा आंच को बढ़ा दें. लहसुन को अच्छे से जलने दें. जो खुशबू है उससे तड़का का फ्लेवर और अच्छे से निखर के आता है. लहसुन थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लगा है जैसे आप देख पा रहे हैं. आग नहीं चाहिए. अब हम इसको डालेंगे तड़का पे. डालते साथ ही इसको झांप दे ताकि जो फ्लेवर है वो इंटैक्ट रहे. बन चुका है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.